वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। हाँ, मेरे पीछे कोयल की आवाज़ आ रही है, पर आज हमारा मुद्दा कोई बाहर की शूटिंग करना नहीं है। आज मम्मी एलोवेरा की सब्जी बना रही थी। एलोवेरा की सब्जी? हाँ, अभी तक तो हमने सुना था एलोवेरा चेहरे पे लगाते हैं, पर सब्जी कैसे बनती है? तो आइए चलिए एक साथ सीखते हैं एलोवेरा की सब्जी बनानी। रात भर पानी में भिजाने के बाद एलोवेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हमने उसको 2-3 बार धो करके, जिसमें हमने बॉईल करना है उस पतीले में हम निकाल देंगे इसको। और फिर हमें करना क्या है, जो इसके साइड के कांटे हैं इनको हम निकालेंगे इस तरह से, साइड्स इसके निकाल देंगे। इसका पीछे से ये जो येलो येलो आ गया है इसको थोड़ा सा काटना है। इस तरह से हम एक एक करके सबको काटेंगे। हमने इसके सब ये साइड्स निकाल लिए हैं। अभी हम इसमें नमक और हल्दी डाल के, हम इसमें ऐसे 2 चम्मच डाल लेंगे नमक के और 1 चम्मच ये हल्दी डाल देंगे बॉईल करते हुए। और अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे। नमक हल्दी डालने के बाद हम इसको गैस पे रख देंगे। और इसका कलर देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा और बॉईल आ जाएंगे 2-3, तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अभी देखिए ये उबलने लग गया है। अभी देखिए ये खोलने लग गया है और इसको लगभग 2 मिनट हो गए हैं। और अभी हम इसको बंद कर देंगे और अच्छी तरह से एलोवेरा को पानी से निकाल देंगे, रनिंग वाटर के नीचे 5-6 बार धो लेंगे। देखिए अभी हमने इसे 5-6 बार पानी से धो लिया है और इसका कलर देखिए कैसा हो गया। एलोवेरा जो हमने बॉईल करके रखा था, इसको 5-6 बार पानी से धोने के बाद अब हम इसको ऐसे करके स्लाइसेस ले लेके इसको बारीक बारीक, जितना बारीक हो सके उतना काट लेंगे। ये थोड़ा स्लिपरी होता है, थोड़ा ध्यान से काटिएगा। ये देखिए एलोवेरा है, हमने काट के रख दिया है। और ये हमारे पास नींबू अभी यही है, ये बड़ा वाला नींबू था हमारे पास और इस टाइम घर पर पड़ा हुआ अवेलेबल था तो हमने ये ले लिया है नींबू। ये एक छोटा टमाटर है और ये एक मीडियम ओनियन हमने काट लिया है। और ये 2 छोटे छोटे आलू हमने काट के रख लिए हैं ऐसे, इस तरह से हमने इसको भी कट कर लिया है। ये गरम मसाला है, ये लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च होने से ज़्यादा अच्छा है, उसका ज़्यादा अच्छा कलर आता है। ये नमक, ये कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी, इतनी सी कलौंजी है। और ये हमें लगेगी चीनी 1/2 चम्मच, ऐसा वाला छोटा वाला 1/2 चम्मच होने से हो जाएगा। ये है चाट मसाला, चाट मसाला का यूज़ होगा इसमें। क्या आप सब मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हैं? तो आइए सबसे पहले गैस जलाएंगे। और फिर हम डालेंगे तेल। एक करछी जैसा डाल दो। थोड़ा और, बस अब इस तेल को गरम होने देंगे। जो आलू हमने काट के रखे थे अभी इन्हें हम गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अभी हमारे सारे आलू जो थे ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। अभी हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू हमने यहाँ पर प्लेट में निकाल लिए हैं और अभी हम तेल में कलौंजी डालेंगे। अभी कलौंजी भुन गई है, अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अभी इस प्याज को हम फिर से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे।
ये देखिए प्याज अभी गोल्डन कलर का होना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें एलोवेरा जो हमने काट के रखा था, एलोवेरा और फ्राई करा हुआ आलू इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। और इसके अलावा हम अभी इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे अभी इसके अंदर ये लेस आ रही है, जब ये बन जाएगा पूरा इसकी सारी लेस खत्म हो जाएगी। इसका सारा पानी हम सुखाएंगे। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे सिम पे और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। अभी हम इसको हिलाएंगे और देखेंगे कि इसमें लेस जो थी वो कम हुई कि नहीं हुई। अभी देखिए इसने पानी छोड़ दिया है और इसके अंदर जो लेस होती है वो एकदम ख़त्म हो गई है। ये देखिए लेस एकदम नहीं है और पानी छोड़ दिया है। इसको फिर से हम ढककर रख देंगे। याद रखिए कि हमने इसमें हल्दी दोबारा नहीं डालनी क्योंकि हमने इसको शुरू में ही बॉइल करते हुए हल्दी डाल के बॉइल किया था, नमक और हल्दी डाल। अभी हम फिर से इसको खोल के देखेंगे और देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे जो हमने आधा चम्मच पहले रखी हुई थी। और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। अभी नींबू डालने के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सूख चुका है, चीनी भी डल चुकी है और चीनी भी इसमें जितनी हमने डाली थी सब गल चुकी है, दाना नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर या देसी मिर्च जो भी हमारे पास है वो डाल देंगे और ये थोड़ा सा चाट मसाला वो डालेंगे, ये आधा चम्मच गरम मसाला। और इसके साथ ही जो हमने टमाटर रखे हुए थे काट के वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। अभी काफ़ी कलरफुल हो गया, इसको और थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखेंगे। अभी हम इसे फिर से खोल के देखेंगे, ये काफ़ी हद तक सूख गई है। अभी हम इसे और सुखाएंगे जिससे कि इसका ये जो प्लम्पीपन है ये कम हो जाए। दबा के दिखाओ थोड़ा, इसमें जो प्लम्पीपन है, हाँ इसको हम सुखाएंगे। ये जो पल्प है इसका सूख जाएगा तब और अच्छा लगेगा। ये कलर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। इसको खुला करके सिम करके रख दो। रंग देखिए जरा कितना खिला हुआ रंग है। ये देखिए ये बन गई है एकदम और सूख भी गई है अच्छे से और तेल छोड़ दिया सब्जी में। एलोवेरा को देखिए, एलोवेरा सूख के आधा हो गया है और इसमें हम स्वादानुसार अगर आप कुछ और भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, और चीनी आपको अच्छी लगती है और नींबू और डालना चाहते हैं, चाट मसाला और डालना डाल सकते हैं, अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। सब्जी बना के तो मज़ा ही आ गया। अब आपका एक काम है, आप ये सब्जी बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी और इसको खा के बहुत मजा आता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। ओ बाय।